असलम जी आई होप यू आल आर डूइंग ग्रेट सो आज की वीडियो में मैं हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ अलॉन्ग विद सम हेयर केयर टिप्स अच्छा बहुत ही सिंपल सी ऑन पॉइंट सी हेयर केयर रूटीन है मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है प्लस जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक अफोर्डेबल हैं मतलब हाई एंड कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं इसके अलावा ये जो हेयर केयर रूटीन है जो पूरी पूरी है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ आई बिलीव ऑलमोस्ट दो मंथ्स होने वाले हैं एंड आई एम इन लव विद दीज प्रोडक्ट्स तो मुझे शेयर भी करने थे ये सारे प्रोडक्ट्स जो है मून टच के हैं इससे पहले भी मैं इनकी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ हेयर केयर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया एंड जनवनली बता रही हूँ मुझे सच्ची में पसंद आई हैं ये चीज़ें तो मैं आपको दिखाती हूँ कि रूटीन क्या है कैसी है और कैसे फॉलो करनी है सो स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप ऑफ हेयर केयर रूटीन और ये है जी हेयर ऑयलिंग अब आप में से किसी ने भी ये नहीं कहना कि नहीं nah, मुझे पसंद नहीं है बाल बहुत ऑयली लगते हैं चिप चिप लगते हैं हमें अच्छा नहीं लगता नो mm -hmm. no. भाई हेयर ऑयलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और मैं जब से मैं नाचता जितनी भी हेयर की रूटीन बताई है मैं हेयर ऑयलिंग पर एक्सरसाइज करती हूँ पॉइंट को तो यस हेयर ऑयलिंग करनी है यहाँ पर जो आपको दिखा रही हूँ ये है मून टच का अनियन हेयर ऑयल एंड आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ आधी बॉटल बची है सिर्फ और ये नहीं कह रही हूँ आपको मैं कि आप छः घंटे लगाओ आठ घंटे लगाओ पूरे पूरी रात लगाओ आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल होती है तेल लगा के बालों में काफ़ी चिप चिप से लग रहा होता है लेकिन आप हेयर वॉश करने से पहले दो तो तीन घंटे पहले भी लगा लो तो चलेगा बट ओवर भी अच्छा रहता है और इस तरह की ना ये ऑयल वाली कोई बॉटल ले लेना ड्रॉपर वाली जो होती है आपके बालों में अप्लाई होना काफ़ी ईजी जाता है काफ़ी कन्वीनियंट प्रोडक्ट है दराज से ले आता पाया वह बहुत सस्ता है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी जड़ों में ना अच्छे से अप्लाई हो जाता है इससे ऑयल तो बस ये है आपने हेयर ऑयलिंग करनी है और हो सके थोड़ा सा दस पंद्रह मिनट तक मसाज भी कर लेना उससे हेयर फॉल में काफ़ी फर्क पड़ता है प्लस बाल भी हेल्दी होते हैं तो बस ये हेयर ऑयल आपने बालों में दो तीन घंटे छोड़ना है उसके बाद हेयर वॉश कर लेना लेकिन अब आपने वीक में एक दफ़ा हेयर ऑयलिंग करनी है और एक दफ़ा हेयर मास्किंग करनी है और यही एक और टिप आ जाती है कि आपने बालों को डेली वॉश नहीं करना होता डेली शैम्पू करोगे बालों को तो बहुत ख़राब हो जाएंगे नहाओ हाँ आप डेली बट आप बालों को या तो कैचर में कर लो शावर कैप पहन लो या कुछ भी कर लो लेकिन बालों को डेली नहीं धोना होता है तो लेट्स सपोज वीक में दो दफा आपने हेयर वॉश करना है तो आपने एक दफा इस तरह से हेयर ऑयलिंग करनी है जो कि मैंने बताई और एक दफा आपने हेयर मास्क लगाना है अब जो ये मास्क मैं आपको दिखा रही हूँ अगेन मूट टच कही है कैरेटिन हेयर मास्क का ही है एंड वेट लेट मे जस्ट शो यू ये मैं कितना सारा इस्तेमाल कर चुकी हूँ ये देखो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आई थिंक ये एक बार यूज होगा वो भी खाली थोड़ा बहुत ही हो पाएगा और ये खत्म हो चुका है एम गोइंग विंड स्टॉक एट क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है बहुत कम हेयर मास्क मेरे वालों पर अच्छा काम करते हैं एंड इट्स वन ऑफ देम आई सुर तभी मैंने इतना ज्यादा यूज़ किया है एंड यस yes, ये हेयर मास्क कैसे लगाना होता है बहुत सिंपल है नहाने से पहले मेक श्योर sure आपके बालों में तेल वगैरह ना लगाओ आपने बालों की सिर्फ लेंथ पे रूट्स पे गलती से भी हेयर मास्क मत लगाना कभी भी कोई सा भी अनलेस कि हाँ वो कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वगैरह से बनाओ तो ये आपने लगाना होता है तकरीबन अपनी जहाँ से बाल उग रहे होते हैं वहाँ से दो दो इंच छोड़ के आपने ये हेयर मास्क स्टार्ट करना है लगाना और बिल्कुल एंड्स तक लगाना है आपका फ्रिजनेस काफ़ी कंट्रोल होगा आपके स्प्लिट एंड्स कंट्रोल होंगे डैमेज बालों को रिवाइव करेगा आपके बाल बहुत मैनेजेबल सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे अगर फ्रिज वगैरह काफ़ी ज़्यादा तो भी काम करेगा ये बट एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है बालों की टाइप होती है डिफरेंट करली फ्रिजी या फिर आपके स्ट्रेट होते हैं वेवी होते हैं तो उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए मैं फ्रिज की बात कर रही हूँ मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये कर्ली बालों को स्ट्रेट कर देगा बाय द वे लेट मी नो अगर आपको एक डिटेल सीरीज़ चाहिए जिसमें मैं सिर्फ हेयर केयर को डिस्कस करूँ आई एम थिंकिंग अबाउट इट काफ़ी टाइम से कि मैं हेयर प्रोसेस के बारे में बात करूँ हेयर टेक्चर के बारे में बात करूँ हेयर केयर हेयर प्रोडक्ट्स इग्रीडियंट्स सारी चीज़ें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना अच्छा खैर ये हेयर मास्क आपने लेंथ में लगा लिया अपने बालों की और तकरीबन आधे से पौन घंटे बाद बालों को वॉश कर लेना अगेन मैं रिमाइंड करा दूँ आपने एक दफ़ा हेयर ऑयलिंग करनी है वीक में और

नहीं बोलोगे कि ऑर्गेनिक है नेचुरल है केमिकल्स नहीं है केमिकल्स तो हैं जाहिर सी बात है हर शैम्पू में होते हैं प्रिजर्वेटिव तो होते ही है ना लेकिन एटलीस्ट इसने मेरे बालों को डैमेज नहीं किया है बल्कि जो बालों का मतलब शैम्पू का काम होता है वॉश करने का वो भी किया है और साथ साथ बाल मुझे पर्सनली फील हुआ है मैनेजेबल भी रहे क्योंकि मैंने कुछ दफ़ा शैम्पू सॉरी कंडीशनर स्किप किया था सिर्फ शैम्पू किया था मैंने तब भी मेरे बाल काफ़ी मैनेजेबल थे तो मुझे हाँ ये शैम्पू पसंद आया मतलब जेनवनली मुझे अच्छा लगा है इट्स लगानेटलीटली रिकमेंड साइड जरूर ट्राई करना है शैम्पू अच्छा शैम्पू वगैरह आप कर लेते हो तो उसको प्लीज़ ज़ टिप दे रही हूँ मैं कि उसको पानी में ना डाइल्यूट करके इस्तेमाल किया करो मतलब डायरेक्टली ऐसे पाम में लेके बालों में नहीं लगाया करो उसे डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होता है शैम्पू सही से प्लस आपके बालों के लिए भी सेफ नहीं है तो थोड़ा सा पानी लिया करो और उसमें डाइल्यूट करके देन शैम्पू लगाया करो उससे बाल अच्छे से वॉश भी होंगे क्वान्टिटी भी कम लगेगी प्लस आपके बाल भी सेफ रहेंगे इसके अलावा जो शैम्पू की बात बारी होती है कंडीशनर की नाउ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल मैं शैम्पू अक्सर स्किप कर देती हूँ लेट्स जस्ट से आई एम लेज़ी मैं सोचती हूँ मैंने मास्क लगाया या हेयर ऑयलिंग की हुई है तो क्या ज़रूरत है कंडीशनर की लेकिन हाँ जो ओकेजन वगैरह होते हैं तब मैं ज़रूर कंडीशनर करती हूँ और ये वाला जो है कंडिशनर देखें इट्स अ ह्यूज टब और ये अच्छा है जनरली बाथरूम में रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हाँ क्योंकि मतलब इतना बड़ा जा रहा है लेकिन अच्छा कंडीशनर है अच्छे से बालों को मॉइस्चराइज़ करता है कंडीशन करता है सॉफ्ट कर देता है सिल्की कर देता है तो कंडीशनर अच्छा है यार अच्छा इसके बाद अभी आपने कर लिया आप शावर वगैरह से बाहर आ जाओगे नाउ इट्स टाइम फॉर सम सिरम मेरी हेयर केयर रूटीन में सिरम बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे आजकल ये बड़ा पसंद आ रहा है ये है मून टच का शाइन हेयर सिरम एंड लेट मी जस्ट टेल यू मैंने इससे पहले लॉरियल के एक्स्ट्राऑर्डनरी ऑयल सिरम की तारीफ़ की हुई है एक्चुअली मैंने वो यूज़ किया उसके अलावा मैंने कोई और हेयर सिरम यूज़ नहीं किया अभी तक एंड लेट मी जस्ट टेल यू ये वाला जो तो मून टच का सिरम है ना इट इज़ केपेबल इनफ कि ये उसको टक्कर दे सकता है यानी कि उसके लेवल का गुड है फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने अपने लॉरेल वाले हेयर सिरम को डिच करा के मैं कंटिन्यूसली मैंने एक दो महीना सिर्फ इस सिरम को यूज़ किया है और मैं मतलब मुझे वाकई में पसंद आया जनरली मुझे काफ़ी अच्छा लगा है रिजल्ट टॉप नॉच है उसके एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं जबकि क्योंकि मैंने कहा पाकिस्तानी ब्रांड है मूनटाज कहाँ भी इतना मतलब इतना अच्छा क्या ही हो जाएगा लेकिन आई जेनवनली लाइक देयर सिरम बहुत अच्छा लाइट वेट बालों में कोई ऑयली वाली शाइन लेके नहीं आता बस नॉर्मल शाइन आती है और ऐसा लगता है बालों में कोई इन कंडीशनर लगाया हुआ है बाकी ये सिरम कोशिश करना डैम बालों पर लगाओ उससे बाल काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं और ड्राई करने के लिए किसी कॉटन टी शर्ट या किसी टावल में रैप कर लेना उससे फ्रिज आता है अच्छा तो ये है जी करंट हेयर केयर रूटीन मेरी जो कि मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ और मैं रिकेमेंड भी करूँगी क्योंकि मुझे अच्छी लगी है अच्छा इस हेयर केयर पूरी डील को यूज़ करने के बाद जो मुझे एक मेन डिफरेंस बालों में दिखाए ना वो तो एक फ्रिज में दिखा है इसके अलावा बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की और मैनेजेबल हो गए हैं हाँ हेयर लॉस में मुझे स्टिल इतना मेन डिफरेंस नहीं दिखा है बट आई थिंक वो जो जो uh, सिरम है ना उससे बाल टैगल फ्री हो जा रहे हैं तो टूट कम रहे हैं और इसके अलावा जो हेयर ऑयल है वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है बट आई थिंक हेयर फॉल का प्रोसेस ही ऐसा होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है उसको काम करने में लेकिन अनियन अच्छा है यह तो मुझे पता है तो आई थिंक स्लो काम करेगा लेकिन शायद करेगा बाकी फ्रिज में और बालों के मैनेजबर होने में तो ज़बरदस्त डिफरेंस है सो यस ये थी जिर के रूटीन प्लस मेरे ऑनिस रिव्यूज़ आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी इफ़ यस देन मेक शो टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर देना एंड लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियोस चाहिए तो इन मैं उस पर काम करूँगी एंड या देट वॉज इट आई कैसी नेक्स्ट वीडियो अल्लाफ़